सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, आप पर ध्यान जा रहा है रिलायंस पे, एंड रिलायंस ने इस पूरे सीरीज में एक काफ़ी सहमे हुए रेंज में ही कारोबार किया है। एंड जिस तरीके से इसने प्रीवियस डे स्विंग लो को अभी फिलहाल तोड़ा है, 2920 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट जोन था, वो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन से तोड़ा है। एंड प्लस थोड़ा सा डेटा अगर लंबा देखे तो वहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, उसका भी ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए। इंट्राडे चार्ट पे भी एक फॉलिंग थ्री फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो लगभग जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन लगभग 2865 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2928 पे लगाना है। ओके, तो रिलायंस पर शॉर्ट करने की राय आ रही है सचिन जी की तरफ से, और रिलायंस पर थोड़ा प्रेशर आया है। निफ्टी पर भी हमने देखा है ऊपर से थोड़ा प्रेशर अभी अभी बना है, बैंक निफ्टी भी आपको हल्की सी गिरावट ऊपर से दिखा रहा है, तो आइए सही वक्त है।